Now I would like to request our honorable chief guest, Dr. Aslam Parvez Saab, to come on to this dais and address this august audience. एफमी के जिम्मेदारान, रीड एंड लीड फाउंडेशन के जिम्मेदारान और वो तमाम वॉलंटियर्स और रजाकार जो इस कामयाब फंक्शन के पीछे हैं, आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम नमस्कार। काबिले मुबारकबाद हैं आप सब लोग इस अहम प्रोग्राम को यहाँ अरेंज करने के लिए। और विजन 250 तालीम के ताल्लुक से तो मैं, जो मेरे पास मुख्तसर वक्त है गालिबन 15 मिनट का, उसमें एक बुनियादी बात ये करूँगा कि जब हम तालीम की 250 की बात कर रहे हैं तो आज के अगर तालीमी सीन को हम नहीं देखते तो बात नहीं बनती। क्योंकि आज जब दुनिया कहाँ जा चुकी, हम अपने लिए एजुकेशनल विजन डेवलप करने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं पे समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। और वो चीज़ जो है वो तीन बातें हैं जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि हम जिस हादसे का शिकार हैं कि हमारे यहाँ पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है इट इज़ वर्टिकली स्प्लिट, दो हिस्सों में बटा हुआ है ये तालीमी निज़ाम हमारा। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। दीनी तालीम में दरस निज़ामी जारी है सदियों से, जिसमें हम सब वाकिफ हैं कि असरी उलूम का बड़े अरसे तक कुछ हिस्सा नहीं रहा था, अब कुछ कोशिश हुई है। और जो दुनियावी तालीम के इदारे हैं वो चाहे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हों, मुस्लिम मेजोरिटी इंस्टीट्यूशंस हों, उनमें बच्चों को कुरान से कोई एक्सपोजर नहीं दिया जाता। और ये चीज़ दोनों जगह कॉमन है, मदरसों की भी अक्सरियत की बुनियाद जो है फिक्र और हदीस पर है, कुरान पे गौर नहीं है। स्कूलों में, बल्कि स्कूल से पहले हम चूँकि कुरान की अहमियत को समझते हैं, समाउ वी क्लेम कि हम इसकी अहमियत को समझते हैं, हकीकतन ऐसा नहीं है। पहले घर में बच्चे को हम कुरान के हरूफ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसको हम नाजरा कुरान कहते हैं, और इसको बहुत अहम समझा जाता है। और इसकी शुरुआत पे भी एक प्रोग्राम होता है और जब ये इख्तिताम हो जाता है तो भी एक प्रोग्राम होता है। और उसमें होता क्या है कि हम कुरान के हरूफ बच्चे को दिखा देते हैं और पहचानना सिखा देते हैं कि ये है कुल हो अल्लाह वाहद। इसका मतलब क्या है, विजन क्या है, इस बड़ी छोटी सी आयत का हमें नहीं पता। यानी बचपन से हम उस बच्चे को अनकॉन्शियसली अनसाइंटिफिक बना देते हैं। कुतुबुद्दीन साहब उसके नफ्सियात में ये बात डाल देते हैं कि आप किसी चीज़ को जिसको बहुत अहम समझते हैं बिना समझे पढ़ सकते हैं। क्या शख्सियत साजी हो रही है यहाँ पे, कि पहली चीज़ उसे ये बताई जा रही है कि ये बहुत अहम किताब है, बहुत ऊपर रखी है, इसके ऊपर कुछ नहीं रखना, ये गिर ना जाए। लेकिन समझने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस तरबियत याफ्ता तालीम याफ्ता दौर में जिसमें एआई की बात हो रही है, उसमें हम किस दौर में जीते हैं कि जिस किताब को किताब हिदायत कहते हैं उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझते। यानी हमें हिदायत जो है वो अल्लाह की तौफीक से आ जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ी एब्सर्डिटी, हिमाकत और एक अनसाइंटिफिक एटीट्यूड जो इज्तमाही तौर पर अक्रॉस द ग्लोब, मैं जिस जिस मुल्क में गया एक ही हालत पाई। हर रमज़ान में तरावी का अहतमाम हो रहा है, कोई भी मुल्क हो, अक्सरियत पढ़ाने वालों को भी जो सुना रहे हैं उन्हें नहीं पता क्या सुना रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो नहीं पता, वो अकीदत के बोझ से झुके रहते हैं और हिदायत नहीं पाते। मुझे सख्त कलामी के लिए माफ़ कीजिएगा, बट नाउ आई एम कंपेल्ड टू डू इट एंड से इट लाइक दैट। इस उम्र के हिस्से में जब आ गया और बरसों से ये चीज़ अपने माशरे में और समाज में देख रहा हूँ, और हल्की सी तब्दीली अब नज़र आती है लेकिन मतलूबा तब्दीली नहीं है।
इन हकायक के साथ आप देखिए कही क्या बात जाती है कि साइंसेस जो हैं, कायनाती उलूम जो हैं, ये दीनी तालीम का हिस्सा नहीं है, ये दुनियावी तालीम का है, लिहाजा उनको अलग कर दिया, इसीलिए मदरसा सिस्टम में नहीं है। जो लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं उन्होंने घर में कुरान पढ़ लिया, उनका ख़त्म भी हो गया, उन्होंने तजवीद भी सीख ली, अक्सर क़िरत भी सीख लेते हैं, हिफ्ज भी कर लेते हैं, लेकिन सूरह स्वाद 29, सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 लिख लीजिए, हमने ये बाबरकत किताब नाजिल करी ताकि लोग इसकी आयत पर गौर व फिक्र करें और अक्लमंद से सबक लें। कुरान अपना मकसद नुज़ूल ये बताता है कि लोग इसकी, मुसलमानों की बात नहीं है, एवरी रीडर हूएवर पिक्स अप द कुरान एंड रीड्स इट, दे मस्ट थिंक अबाउट इट, कि ये जो बात कही जा रही है क्या है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मी, क्या इस पर फॉलो करके मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि कुरान पूरी इंसानियत के लिए है, वो रब रब कायनात है, मुसलमानों का नहीं है, उसका है जो सबमिट कर देता है बेहतर अंदाज से, वरना उसकी रबूबियत तो सबके लिए खुली है। तो कुरान मकसद नुज़ूल बताता है कि लोग इसकी आयत पर गौर फिक्र करें। मुझे कोई एक इदारा बता दीजिए आपका, आपके इल्म में हो, जहां पे कुरान की आयत पर गौर फिक्र होता हो, किसी स्ट्रीम का हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो, दीनी मदारिस हो, आयत पर गौर फिक्र आप कर नहीं सकते जब तक के उनके लिए आपके पास वो इल्म के हथियार ना हो जिसको कुरान खुद डिफाइन करता है। और मैंने कुछ आयतें इसी मकसद से चुनी हैं, जो पहला रुख तो ये बताती हैं कि कुरान कायनाती मशाहिदात के लिए क्या कहता है। पहली स्लाइड प्लीज़। यकीनन आसमान और ज़मीन की पैदाइश स्लैश मखलूक में, क्योंकि खलक जो है इसमें दोनों चीज़ आती है, द क्रिएशन एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, और रात दिन के हेर फेर में अकलमंदों के लिए आयात है। ये आयत हमें ये बताती है कि कायनात की हर क्रिएशन को अल्लाह ताला अपनी आयत कहता है, यानी दो आयतें हो गई, एक वो जो कुरान में मौजूद हैं, एक वो जो कायनात में मौजूद हैं। ये कॉल है रब का, वो फेल है रब का, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड दैट इज द वर्क ऑफ गॉड, जो कायनात में क्रिएशंस हैं। अकलमंदों के लिए आयत और निशानी है, नेक्स्ट प्लीज, जो खड़े और बैठे अपनी करवटों में, यानी हर पोस्चर्स में, हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। ये मैंने सुर रंग से इसलिए लिखा है कि पूरी कायनात की आयात पे गौर व फिक्र करने के लिए आपको सारे साइंसेस चाहिए, जिसको 1000 साल से आपने अपने निज़ाम से, मकतब से, मदारिस से बाहर कर दिया। ये इस बात का बयान सबूत है कि कुरान से हम कितने दूर हैं और कुरान कितनी मजबूती से हमारे ऊपर बंद हो चुका है। हमने बंद नहीं किया, हम तो बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन हमारे ऊपर भी बंद हो चुका है। नेक्स्ट प्लीज। ये नमल की 83-85 आयत है, बहुत अहम है, जिसमें कयामत का मंजर है कि जब हम कयामत के दिन फौज की फौज उन लोगों की जमा करेंगे जो हमारी आयत को झुटलाते थे, आयत की तकजीब करने वाले लोग, और जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुमने मेरी आयत को झुटला दिया, गज़ब तुम भी आयाती वलम तुहीतु बिहा इल्मन अम्मज़ा कुंतुम तामलून, तुमने मेरी आयत को झुटला दिया बिना उनका इल्म ही अहाता किए, अगर तुम ये नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, व्हाट वाज इट यू डिड, यानी दिस इज व्हाट इज डिजायरेबल। आयत का इल्म ही अहाता, कुरानी आयत का भी इल्म ही अहाता और कायनाती आयत का भी इल्म ही अहाता। अब इन टीचिंग्स को, तालीबात को मैंने सिर्फ चंद, वक्त की कमी देखते हुए आया चुनी, इसकी रोशनी में कौन कह सकता है कि कायनात के उलूम को हासिल करना दीन के ख़िलाफ़ है, बल्कि इनको हासिल ना करना कुरान से बगावत है, तकजीब है, ख़िलाफ़ है खून के। ये मैं पूरे होश व हवास के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ, ये बात बहुत सख्त है, लेकिन यहाँ कह रहा हूँ। यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुरान ने ये बात कही है सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 30 में कि हमारे रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन क्या गवाही देंगे इस उम्मत के ऊपर। वकाला रसूल या रब्बी इन्नी कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ए मेरे परवरदिगार मेरी इस कौम ने कुरान का मजाक उड़ाया है, दे रिडिक्यूल्ड द बुक। हमें किस्से कहानियों में तो रसूल से मनसूब करके पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, और हमारी बहुत सी बदआमालियाँ और बदफेलियाँ इसी सहारे हो रही हैं कि वो साइड से निकलवा देंगे। माफ़ कीजिएगा मुझे फिर सख्त कलामी के लिए, लेकिन एक चीज़ साबित कर दीजिए आप, जागना है इस गलत फहमियों से, इस भ्रम से। नेक्स्ट प्लीज।
हमने आयत खोल दी है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, कत फसलना लायत कौम आलम। अल्लाह की आयत आज किन कौमों पे खुल रही है जिनके पास इल्म है? ये टेक्नोलॉजी कहां से डेवलप होके आ रही है? डिस्कवरीज कहां पे हो रही है? जिनके पास इल्म है, जो इल्म रखने वाले हैं उन पे अल्लाह अपनी आयत खोलता है, कुरान की भी और कायनात की भी। नेक्स्ट प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू सिट एंड लिसन केयरफुली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर रिगार्डिंग आवर दीन। फ्यू मिनट्स मोर। It's when the Quran is being recited, you should not move. जब कुरान पढ़ा जा रहा है तो हमको रुक करके उसे गौर से सुनना चाहिए। देखिए, ये खुद साबित करता है कि कुरान के साथ हमारा रवैया क्या रहा है। किसी को लंच प्यारा है किसी को, और मैं बताऊं मेरी बिल्कुल जो परसेप्शंस थी इस वक्त चेंज हो गई। जिस वक्त मैं इस हॉल में आया था और ये फंक्शन शुरू हो रहा था तो मैं बहुत मुतासिर था कि 60-70% यहाँ लेडीज हैं और 30-40% सिर्फ जेंट्स हैं। तो मैंने हर जगह ये देखा कि औरतें हमारी बहुत आगे हैं और बच्चियाँ आगे हैं, लेकिन वो परसेप्शन अब चेंज यूँ हो रहा है कि सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार यही लोग हैं जो शायद आज की माएँ हैं या कल की माएँ होंगी। हमारे यहाँ बहुत रोया जाता है कि इब्ने हसम पैदा नहीं हो रहा है, बू अली सेना पैदा नहीं हो रहे, कहाँ से पैदा होंगे? वो माँ की गोदी नहीं है, अब एकेडमिकली बांझ गोदे हैं हमारे यहाँ। उस माँ के पास खुद कुछ नहीं है, अपनी नस्ल को क्या देगी? और उस माँ के पास क्यों नहीं है, मैं थोड़ा सा मौजू से हट रहा हूँ लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है, उसके पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी कंसेप्ट ये है कि बच्ची सियानी हो गई हाथ पीले करो, बड़ी हो गई शादी करो। क्या वो बाप जो बच्ची को सियानी समझ के शादी कर रहा है ये जानता है कि ये जिस घर में दे रहा है इस बच्ची को, ये उसकी जनरेशंस की माँ बनेगी? इज शी कॉम्पिटेंट एनफ टू ग्रो ए यंग न्यू जनरेशन ऑफ ए डिफरेंट फैमिली? क्या उसे कुरान का इल्म पूरा दे दिया, उसको तालीम दे दी, उसको कोई हुनर या तरबियत ऐसी करा दी कि कल को किसी हादसे से गुजरे तो अपने पैरों पे खड़े होके रोजगार करके नौकरी करके बच्चों को पाल सके, या मोहताज रहेगी शोहर के बाद अपने ससुराल की या अपने भाई भावजों की तरफ देखेगी कि मेरी कुछ मदद कर दो या ज़कात इकट्ठा करेगी? और अगर ये साहब वो नहीं कर रहे तो इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल को क्या समझा उन्होंने? सूरह आयत से नहीं, नहल की 90, जिसको हर जुमे के खुतबे में पढ़ा जाता है, मैं इसे हमेशा कहता हूँ, और इसकी अक्सरियत पहचान इस तरह करती है कि खुतबा ख़त्म खड़े हो जाओ, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईता ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फहशाइ व मुनकर, बाक चलो खड़े हो जाओ, ख़त्म, खलास, नीयत बांधो। पहला हुक्म इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है किस चीज़ का? अदल का, जस्टिस। और अदल के मादे में एतदाल भी है, यानी मिडिल पाथ, एवॉइड एक्सट्रीम्स। अदल व एतदाल अल्लाह का हुक्म है, बट हु केयर्स, क्योंकि बख्शवाने वाले मौजूद हैं, मेरे आमाल की तो अहमियत ही नहीं है। एक पतली गली खुली हुई है हमारी, जब तक हम उसे बंद नहीं करेंगे आमाल की तरफ नहीं लौटेंगे, और उसको बंद करने के लिए कुरान का खुलना जरूरी है, वरना कुरान बंद रहेगा तो हर ऐसी फालतू चीज़ें खुली रहेंगी, कुरान के खुलते ही ये बंद होती हैं। तो खुद गौर कीजिए आप, सवा 29 देखिए, कुरान जब हर एक से कह रहा है गौर व फिक्र के लिए तो उसका मतलब क्या है? देखिए, कुरान एक आम किताब नहीं है, ये रब का कलाम है, हर दौर के लिए, हर जनरेशन के लिए, हर जगह के लिए। तो इट मस्ट बी डायनेमिक, इट कैन नॉट बी स्टैटिक टेक्स्ट। इसका डायनेमिज्म कब आता है? जब ये इंटरेक्ट करता है रीडर के साथ। मैं जब कुरान पे गौर व फिक्र करता हूँ तो मेरे हिस्से का कुरान मुझे मिल जाता है, मैं उसके हिसाब से अपने अमले सवाले करके अपने लिए रास्ता बनाता हूँ, अपने कल्ब को कल्ब सलीम में ढाल लेता हूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब ये मैंने आयत इसलिए रखी थी कि ये मौरिद डिक्शनरी का पेज है जो इल्म को साइंस के तौर पे डिफाइन करता है। यानी जब हम ये कहते हैं कि तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, तो हर इल्म, और यहाँ मैं एक चीज़ अर्ज करूँ कि यहाँ साइंस से मुराद साइंस सब्जेक्ट नहीं है, बट मेथोडोलॉजी, वो तरीक़त जिसको कुरान भी कहता है, मशाहिदी की अहमियत, तज़िये की, एनालिसिस की अहमियत, यही साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ हैं, और जहाँ मुमकिन हो तजर्बे की अहमियत। तो जिसको हम साइंटिफिक एटीट्यूड कहते हैं, दैट इज कुरानिक एटीट्यूड। इनफैक्ट समा बसर और फवाद क्या है? वही चीजें हैं जो टूल्स हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस के लिए होते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
जमीन और आसमान में, अब ये दूसरा रुख मैं लेके चल रहा हूँ कुरान का, कि जमीन और आसमान में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका, सब अल्लाह के लिए सजदा रेज़ हैं, दे हैव सबमिटेड टू डिवाइन लॉस। आप इस दुनिया में कोई एक चीज़ ऐसी बता दीजिए जो अपने लॉस से हटके चलती हो। ये बोतल है मेरे हाथ में, मैंने उछाली नीचे आई, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी के लॉज हैं। ये आवाज आप तक जा रही है, देयर आर फिजिकल लॉज। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, फिजिकल लॉज हैं। ये लाइट किधर से आ रही है, कहाँ फोकस हो रही है, ब्रेन के किस हिस्से में क्या देख रहा हूं मैं, ऑल लॉज, कुदरत के कवानीन। तो हर चीज जो है कायनात की, सिवाय इंसान की, क्योंकि इंसान को नफ्स दिया है, वी हैव ए चॉइस। हमारी मर्जी है, अल्लाह ने जो कवानीन दिए उन पे चलें या अपनी मनमानी जिंदगी गुजारें, जो चाहें करें, वी आर फ्री टू डू इट, बट वी विल बी अकाउंटेड फॉर इट। हिसाब हमें अपने आमाल का देना है। और इसमें भी देखिए उस रब की रबूबियत और हिकमत, मेरे जिस्म के बुनियादी निज़ाम को उसने मेरी ख्वाहिशात के ताबे नहीं किया। मेरी लंग्स की गैस एक्सचेंज, मेरा ब्लड सर्कुलेशन, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा नर्वस सिस्टम, जो वाइटल फंक्शंस हैं मेरी बॉडी के, वो रब के कवानीन के तहत ही चलते हैं, मेरे हाथ में नहीं है। मेरी ख्वाहिशात मेरी एक्सटर्नल लाइफ को कंट्रोल करती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, अल्लाह के हुक्म पे हूँ, ख्वाहिशात क्या रहा, यानी वही की इत्तबा या हवा का इत्तबा। सुर्ख रंग से यही इसीलिए लिखा कि जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं, एंड डू वॉट दे आर कमांडेड। हर चीज कायनात की अपनी कमांड से चलती है, अपने लॉस से चलती है, जिसको आप नेचुरल लॉस कहिए, डिवाइन लॉस कहिए, अल्लाह के अहकाम कहिए, या अल्लाह की वही की कहिए, जिसका बहुत वाज़े इस्तेमाल कुरान में शहद की मक्खी के ताल्लुक से हुआ है। तो अल्लाह ताला की कमांड वही हर क्रिएशंस के पास है। एटम को मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन को मालूम है कि अगर उसके ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनकी स्पिन अपोजिट होगी हमेशा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम जानते हैं जो उन्होंने पढ़ा। उस लेवल पे जो लॉज हैं वो यूनिवर्स तक हमें नज़र आते हैं। प्लेनेटरी मूवमेंट देख लीजिए, हम महीनों पहले सनसेट सनराइज कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज प्रिसीजन, प्रिसीजन इन नेचुरल लॉज, अल्लाह के बनाए हुए कानून हैं। ज़रा सा इधर से उधर वो चीज़ नहीं हो सकती, इतनी ज़बरदस्त बंदगी में है अल्लाह ताला की। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ देखिए, जब सारी दुनिया के लिए कायनात में कवानीन है तो क्या हमारे लिए नहीं होंगे? यही बात यहाँ कही गई है कि तबेउ माउनजिल अलैकुम रब्बिकुम वला तत्तबेउ मिन दुनीही औलिया। इत्तबेउ, फॉलो करो, इत्तबा करो व्हाट हैज बीन रिवील टू यू फ्रॉम योर फॉस्टर, जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है उसकी इत्तबा करो। अब देखिए ये हुक्म का सेगा है, इट्स एन ऑर्डर, उसी तरह जिस तरह अकीमुस सलात व आतुस ज़कात है। लेकिन हमने भी बड़ी खूबसूरत चेरी पिकिंग की है, इस्लाम ऑफ कन्वीनियंस उठा लिया, पांच वक्त नमाज पढ़ना बड़ा आसान है, तीस रोजे बड़े आसान है, दिल को मार के अपना माल दूसरों पे खर्च करना बड़ा मुश्किल है, हर एक की इज्जत करना बड़ा मुश्किल है, औरतों को बराबर के हक दर्जा और इज्जत देना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम तो उनको, यानी ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहरहाल वो फिर मैं हट रहा हूँ, सॉरी। लेकिन देर इज ए लॉट विच नीड्स टू बी डन। और देखिए हुक्म अल्लाह का था, इतना काफी था कि तबेउ माउनजिल अलैकुम रब्बिकुम, लेकिन उसके बाद फिर कहा गया वला तत्तबिउ मिन दुनी औलिया, किसी और औलिया की इत्तबा नहीं करनी, चाहे वो मेरे घर के बड़े हों, हजरत जी हों, शेख जी हों, कोई भी हो, नो वन अदर देन अल्लाह इज टू बी फॉलोड। और तीसरी चीज बड़ी अहम है, तुम नसीहत कम ही मानते हो, इसीलिए एक हुक्म के बाद दूसरा लगाया गया, लेकिन ये भी कह दिया, जैसे टीप का बंद कहते हैं हमारी जबान में, कि तुम नसीहत कम ही मानते हो। क्यों कम मानते हो? क्योंकि तुम अपने दिल के गुलाम हो, दिल के कहने पे चलते हो, ख्वाहिशात के कहने पे चलते हो, इसलिए उनका झुकाव उसी तरफ होता है। नेक्स्ट प्लीज। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआना लरद्दुका इला मअद। मैं बहुत अपने आप को कम नसीब समझता हूँ, क्योंकि जब तक मैं कुरान को समझते हुए कसस 85 तक नहीं पहुँचा, मुझे किसी ने नहीं बताया था कुरान मुझ पर फ़र्ज़ है। पता नहीं आपको इल्म है या नहीं, हमें पांच फ़राइज़ बचपन से सिखाए गए थे, आपको भी बताए होंगे, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसमें ताज़ा इजाफा उमरा है अब, लेकिन कुरान का कहीं जिक्र नहीं है। कुरान अपने आप को देखिए, कुरान खुद लोगों को गौर व फिक्र की आयत दावत दे रहा है, सौ 29 कसस 85 बताती है कि ये फ़र्ज़ है। इससे पहले की आयत आपको बताती है कि इत्तेबा करो जो तुम पे नाजिल किया गया है। इन सब के होते हुए देखिए हमारी जसारतें कि हम कर क्या रहे हैं, हम इस अंदाज से बच्चों को ना एजुकेट कर रहे हैं ना हम एजुकेटेड हैं, और उसके नतीजा सबके सामने। नेक्स्ट प्लीज। क्या तुमने उसे देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो?
हमारी अक्सरियत का नफ्स उसका खुदा होता है। क्या तुम ऐसे शख्स को राय रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर लोग सुनते हो समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। अब ये आया जो है ये खुदा को भी डिफाइन कर रही है। खुदा कौन है? जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसकी तस्बीह पढ़ रहे हैं, वो खुदा नहीं है। अगर आप नफ्स के बंदे हैं तो आप यानी नफ्स के पीछे चलते हैं तो नफ्स के बंदे हैं, नफ्स खुदा है। समाज के, बड़ों के, खानदान के, रस्म व रिवाज के, ट्रेंड के, फैशन के, इन थिंग्स के पीछे चलने वाले हैं तो आप इनके बंदे हैं, खुदा के बंदे हो ही नहीं सकते। बिकॉज जिसको आप सबमिट करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, वही आपका खुदा होता है। वॉलंटियर्स, ये बता दीजिए, जब जाने दीजिए, वॉलंटियर्स प्लीज टेक केयर दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस प्लीज। लेकिन जब हम देखिए, लेट्स बी लॉजिकल फैक्चुअल, कि जब हम कुरान को समझ के ही नहीं पढ़ते तो उसकी बंदगी कहां से हो जाएगी? बताइए मुझे, जिस टेक्स्ट को आपने नहीं पढ़ा, आप उसमें कोई एग्जाम दे सकते हैं क्या? उसके मॉडल को देखिए, कोई आइडियोलॉजी जब तक प्रैक्टिस ना हो वो असर नहीं देती। इसलिए इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी रसूलुल्लाह के जमाने में बेस्ट सर्वाइव किया और बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हर स्फीयर में, हर फील्ड में। अब ये आइडियोलॉजी नहीं है, इट इज ए फेथ, इट इज ए बिलीव विच इज नॉट प्रैक्टिस्ड। एक अकीदे का नाम है, उस पर इतने सख्त हैं हम कि अल्लाह रसूल पे जान देने को तैयार है लेकिन अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके पे जीने को तैयार नहीं है। दिस इज आयरोनिकल। नेक्स्ट प्लीज। फिर क्या तुमने कभी ऐसे शख्स के हाल पर भी गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया और अल्लाह के कानून ने इल्म के बावजूद उसे गुमराही में फेंक दिया? ये मैंने इसलिए आयत रखी है कि इल्म होते हुए भी अगर वही की नॉलेज नहीं है तो आप गुमराही में जाएंगे। ये मैं खास तौर से यहाँ सब जिम्मेदारों के सामने बात रख रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग ऑफ एजुकेशन विदाउट डिवाइन गाइडेंस। हम इकरा की बात करते हैं, बेस्म रब्बी का लजी खलक की बात नहीं करते। अल्लाह के इस्म यानी उसकी सिफात के साथ अगर पढ़ा जाता है तो चीज़ दूसरी होती है, क्योंकि आप एजुकेट किसको कर रहे हैं? मेडिकल, कोई टाइम हो गया क्या? मेरा टाइमर तो नहीं है? श्योर टाइमर तो नहीं है? फ्यू मोर मिनट्स सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई एम वाइंडिंग अप। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्लीज। बस है नबी और मुखातिब, उससे मुंह फेरे जो हमारे जिक्र से रूगर्दा हुआ, वो दुनिया की जिंदगी सिवा कुछ नहीं चाहता, ये इनके इल्म की हद है। Turn aside from him who turns his back upon our reminder and does not desire anything but this world's life. Unfortunately, this is what we are talking about. That is their goal of knowledge. Ilm ki had sirf duniya ki ek achhi zindagi guzarna hai. Us ilm se main apne Rab ko nahi pehchanna chahta. Uski takhleeq, uski kainat ko nahi pehchanna chahta taaki achha banda ban sakun. और उस पर अमल करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रेन ही नहीं किया जा रहा इस हिसाब से, घर से लेकर इंस्टीट्यूशंस तक। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब ये चंद आयते हैं जिसमें सिर्फ मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि मुस्लिम होने का क्या मतलब है। ये जो सीन लाम मीम का मादा है, इट मीन्स सबमिशन, पूरी हस्ती को इताअत में दे देना, यानी 100% सबमिशन टू डिवाइन गाइडेंस। हज़रत इब्राहिम से अब उसके रब ने कहा, असलम काला असलम तो रब्बिल आलमीन, मैंने अपनी हस्ती सुपुर्द कर दी उस रब्बुल आलमीन के। नेक्स्ट प्लीज। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल होना क्या मतलब है कि 24/7 रोज़ आपकी ज़िंदगी का हर काम अल्लाह के अहकाम के हिसाब से होना चाहिए, जो खुद आप गौर व फिक्र करके डिडक्ट करेंगे, अपने पास रखेंगे, नोट्स बनाएंगे, कुरान को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जो लोग ईमान लाए और तकवा करते रहे उनके लिए खुशखबरी है, बशारत है, दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। यह आयत मैंने इसलिए लिखी है कि अगर हम अल्लाह के अहकाम पे चलते हैं तो दुनिया में भी खुशखबरी है, आखिरत भी अच्छी है। हमारे एक आम कंसेप्शन यूँ है, जिक्र हो रहा था अभी कुछ साथियों के साथ, कि हमारे हालात ख़राब यूँ हैं कि चूँकि हम मुसलमान हैं सब हमसे नाराज़ हैं, ये आजमाइशें हैं जो आ रही है। कुरान तो कुछ और कह रहा है,
कुरान तो साथ में ये भी कहता है कि वला तहिनु वला तहजनु अंतुम लालोन इन कुंतुम मोमिनीन। आलोन में से हो गया अगर मोमिन हो तो, आज अगर हम आलोन में से नहीं है तो हमें इस फैसले पे पहुंचने में क्यों देर लग रही है? क्या मोमिन नहीं है? नहीं पहुंचना चाहते कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मेरा सिर्फ सबमिशन ये है कि खुद कुरान खोल के पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें। इट नीड्स टू बी प्रैक्टिस सो दैट वी बिकम मुस्लिम्स। मोहम्मद असलम परवेज एक मुसलमान घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होते, मुसलमान बना जाता है अल्लाह के अहकामात पे अमल करके। आप मेडिसिन पूरी करके, इंटर्नशिप करके जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जब आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर के घर में पैदा होकर डॉक्टर नहीं बन जाते, कारपेंटर के घर में पैदा होकर कारपेंटर नहीं बन जाते। सिंपल लॉजिक्स की बात है, लेकिन जहां अकल की खिड़की बंद हो, दरवाजे बंद हो, दिमाग बंद हो और ये कह दिया जाए नहीं दीन के मामले में सवाल नहीं करना, बोलना मत, सर झुक जाता है। नतीजा सबके सामने है, कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती जब तक कि हम कुरान को फिर से नहीं खोलते, उस पर अमल नहीं करते और उसके हिसाब से उसी तरह दुनिया को एक्सप्लोर नहीं करते जिस तरह पहले किया गया था, और उसी तरह ये सारी सर्विसेज अपनी पब्लिक के लिए रखते हैं खोल के, जैसे पहले हुआ करता था। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अन्फुसिहिम।